भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक संख्या 16 समझने का प्रयास कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। कृपया करके मेरे बाद दोहराएंगे इस श्लोक को। श्लोक संख्या 16 अष्टांग योग के बारे में भगवान बता रहे हैं, और इसमें एक योगी अष्टांग योगी को, इवन एक भक्ति योगी को या ज्ञान योगी को किस प्रकार से अपना प्रतिदिन के कार्यक्रम में दो मुख्य बातें, जो सोना है स्लीपिंग और दूसरा जो है भोजन करना, उसके बारे में बताया जा रहा है। आज का टाइटल क्या था, कौन बताएंगे शीतल जी के अलावा? संयमित भोजन तथा निद्रा। संयमित भोजन तथा निद्रा, बहुत अच्छा। म्यूट कर दीजिए, सुमन मत करिए। हरी बोल। लाइसेंस अपडेट हो गया है तो सारे लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं। कल किसी कारणवश लाइसेंस अपडेट नहीं हो पाया था, अब में से कुछ लोग नहीं ज्वाइन कर पाए थे, तो उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करें। श्लोक को दोहराएंगे, श्लोक संख्या 16। नात्यस्नस्तु योगोस्ति न चैकांता मनश्नुतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। एक बार और। नात्यश्नस्तु योगोस्ति न चैकांता मनश्नुतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। यस, श्लोक उच्चारण कीजिए आप में से एक डिवोटी, रंजन वैकरी अमृता जी। यस, बहुत सुंदर श्लोक है, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। नात्यस्त्रतस्तु योगोस्ति न चैकान्त मनस्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हरी बोल, बहुत ही सुंदर। हरे कृष्ण। शब्दार्थ हमारे साथ साथ शब्दार्थ पढ़िए, सब साथ साथ पढ़ना है शब्दार्थ। न कभी नहीं, अति अधिक, अति शब्द आ गया है, आपने सुना है, बचपन से सुनता आए हैं। अति सर्वत्र वर्जते, अति हर काम में क्या है, मना की गई है। अति सब जगह क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। लिखा हुआ है न कभी नहीं, अति अधिक अश्नतः खाने वाले को, तो ये शब्द उपयोग हुआ अश्नतः। कोई बता सकता है ये शब्द और कहाँ उपयोग हुआ है? खाने से संबंधित एक श्लोक हमने सुना था, कौन बताएगा? प्रसाद ही पाना चाहिए, भगवान को भोग लगा हुआ पाना चाहिए, तो वो श्लोक कौन सा था? थर्ड वाला अध्याय, तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक। याद रखा कीजिए और थोड़ा सा याद करने की भी कोशिश कीजिए। श्लोक जी, आप म्यूट हो गए। कृष्णा प्रभु म्यूट। हरे कृष्णा। तो याद रखने का कोशिश कीजिए, और श्लोक याद नहीं है तो श्लोक का नंबर याद रखिए, श्लोक नंबर याद नहीं है तो थोड़ा श्लोक याद करने का कोशिश कीजिए। तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक, भगवान बोलते हैं यज्ञ शिष्टाष्टिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः एतम् अगम पापा ये पश्यन्ति आत्मकारणात्। तो आया था अश्नः, यज्ञ शिना शिनो अश्नो, तो वो अश्न मतलब खाना, ठीक है? तो अश्नतः खाने वाले का। तू लेकिन, योगः भगवान से जुड़ना, अस्ति है ना, ना तो च भी एकांतम बिल्कुल नितांत,
अश्नतः भोजन न करने वाले का न न तो च भी अति अतिरिक्त स्वप्नशील सोने वाले का जागृत अथवा रात भर जागते रहने वाले का न कभी नहीं एव ही च तथा अर्जुन हे अर्जुन। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, अनुवाद को आप दोहराएंगे मेरे पीछे, अनुवाद दोहराइए। हे अर्जुन जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। बोलिए, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। सबको उच्चारण करना अनिवार्य। तो यहाँ पर दो मुख्य बातें बताई गई है, योगी बनने के बारे में बोला गया है, खास करके अष्टांग योग का ये अध्याय है, उसमें अष्टांग योग के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन इसको भक्ति योगी भी कुछ रूप में इसको पालन कर सकता है। तो दो मुख्य बातें आप समझ ही गए अनुवाद। एक तो बोला गया है अश्नतः खाना, और दूसरा स्वप्नशीलस्य। स्वप्न कब आते हैं? जब हम सो जाते हैं रात्रि को, तो स्वप्न आते हैं। तो सोना और खाना ये हमारा बेसिक प्रश्न रहता है जीवन में, कितना खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए। तो आज हम प्रभुपाद जी से इन उत्तरों को समझने का प्रयास करेंगे कि कितना खाना चाहिए और कितना सोना चाहिए। इस श्लोक संख्या 16 में भगवान स्वयं उत्तर दे रहे हैं। भगवान हम सबको बता रहे हैं कि एक योगी को, एक भक्ति योगी को या एक अष्टांग योगी को कितना भोजन करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, और कितना उसको सोना चाहिए और कितना नहीं सोना चाहिए। ये आप श्लोक नंबर याद रखेंगे, 6 अध्याय का 16वां श्लोक है। तात्पर्य समझेंगे अब हम। अनुवाद समझ में आ गया आपको विजयराज जी? अनुवाद समझ में आ गया? यस। बोल रहे भगवान, हे अर्जुन जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो इसका अपोजिट करें अगर हम, अगर कोई व्यक्ति योगी बनना चाहता है तो उसको अपने भोजन को, अपनी निद्रा को नियमित करना होगा, रेगुलेट करना होगा। न तो उसको अधिक भोजन करना होगा, न ही उसको अधिक सोना होगा, न उसको बहुत कम खाना होगा, न ही उसको बहुत कम सोना होगा। तो दोनों के बीच में, मध्यस्थ में रहना होगा, मॉडरेट करके रखना होगा, जो श्लोक में बताया जा रहा है। अब हम तात्पर्य समझने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य समझिए, बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। एक एक बात जो हम कई बार कहते हैं, प्रैक्टिकल बात क्या लिखी है भगवद गीता में, वो बात यहाँ पर लिखी हुई है। एक एक बात यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। भोजन और नींद के क्या करना है? नियमन, रेगुलेट करना है, उसकी संस्तुति की गई है। क्या बताया गया उसके लिए? देखिए, अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। तो आप लाइन लिख लीजिए, भोजन कितना करना चाहिए? शरीर और आत्मा को साथ बनाए रखने के लिए जितनी आवश्यकता है। आज हम थोड़ा सा इन बातों को भी समझेंगे कि शरीर को स्वस्थ रखना कितना जरूरी है भक्ति योगी के लिए भी। अष्टांग योग का ये श्लोक है, भक्ति पर व्याख्या की गई है, अष्टांग योग के लिए भी कुछ बताया गया है। ठीक है, समझते हैं आगे। यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। आवश्यकता से अधिक भोजन करना, जो बेसिक नेसेसिटी है उससे अधिक भोजन कर लेना। तो ये क्या कह सकते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है या फिर कह सकते हैं इसमें बहुत सारे प्रस्पेक्टिव हो सकते हैं, इसको हम प्रश्न उत्तर कार्यक्रम में समझेंगे। नेक्स्ट,
मनुष्यों को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। मनुष्य को मांसाहार नहीं करना चाहिए। तो भोजन से संबंधित पहला क्या बता दिया है, मांसाहार। ये योगी के लिए नहीं बताया, किसके लिए बोल रहे प्रभुपाद जी, वंदना बारोट माता जी, किसके लिए बोल रहे पहला, ये भी जो हमने पढ़ा मांसाहार के बारे में, क्या प्रभु ने सुनाई नहीं दिया? मांसाहार के लिए किसके लिए बोला है, मांसाहार नहीं करना चाहिए, किसके लिए बोला है? सबके लिए, समय सीमा के लिए, मनुष्य के लिए बोला है, मनुष्यों के लिए बोला है। जितने भी मनुष्य हैं उनको कभी मांसाहार नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले दुनिया में प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल, दुग्ध ये सब उपलब्ध है, तो हमें इस मांसाहार क्यों करना चाहिए? अभी आप अगर रिसेंटली, क्योंकि आप सब लोग देखते हैं और सर्कुलेट भी हुआ था एक वीडियो, कौन सा है वो, क्या नाम है उसका, अरबाज खान है या कौन है वो व्यक्ति, अरबाज खान ने उसका थोड़ा सा क्रिश्चियन तरह का नाम है, जो कपिल शर्मा, उन्होंने कुछ बताया कि हेल्दी बॉडी के लिए जरूरी है कि उसको नॉनवेज खाना ही खाना, क्या नाम है उनका, जॉन अब्राहम। हाँ हाँ, जॉन अब्राहम, यस जॉन अब्राहम जी, सबको नाम रटा हुआ चलो हरी बोल। तो जॉन अब्राहम, जॉन अब्राहम जो है वो उस शो में बताते हैं, मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं नॉनवेज नहीं लेता हूँ, और प्रोटीन वगैरह की जो बातें हैं, प्रोटीन कम हो जाता है, ये है वो है, ये सब हवा है, और वो अपने उस वीडियो में है, वो आप देख भी सकते हैं। पर हमारा सोर्स जो है, प्लीज ध्यान रखिए, हमारे नॉलेज का सोर्स ये आजकल के एक्सपीरियंस लोग नहीं होने चाहिए। हमारा सोर्स कौन होना चाहिए, भगवद गीता भागवतम, ये सोर्स होने चाहिए। आजकल के बच्चे जरूर इनको सम्मान देते होंगे कि हाँ कि ये बोले हैं वो नहीं खाता है, इसलिए मैं नहीं खाऊं, या उसने बोला है कि उसके बिना भी शरीर अच्छा हो सकता है, यस, तो वो थोड़ा सपोर्ट के लिए आजकल के बच्चे उनको अगर आइडल मानते हैं, उनकी बात को मानते हैं, तो यस उसके कारण हो सकता है। प्रभु जी, हमारे वहाँ इवन डॉक्टर भी मना करते हैं, डॉक्टर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं कि आप उसी से ही प्रोटीन, अमेरिका में डॉक्टर भी मना करते हैं, ठीक है, इंडिया में डॉक्टर बोलते हैं खाया करो, इंडिया के डॉक्टर भी अलग अलग, सब जगह अलग अलग है, थोड़ा ऐसे डॉक्टर भी मिलेंगे, वैसे डॉक्टर भी मिलेंगे, मिक्स मिलेगा। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे साथ में जैसे ये पिछले 3-4 दिन से यात्रा में है सौरव पांडे जी, जो कि बहुत बढ़िया एक टीवी सीरियल हुआ है सूर्य पुत्र कर्ण, उसमें उन्होंने जो भूमिका निभाई है, उन्होंने खुद ने बताया कि मुझे कभी भी नॉनवेज की जरूरत नहीं पड़ी और कभी मैंने नॉनवेज नहीं दिया, मैंने एकदम शरीर को अच्छा बना के रखा, तो कभी भी इस आवश्यकता नहीं पड़ी है। और उसको और हम समझेंगे प्रभुपाद जी की कथा से भी, पहले थोड़ा से तात्पर्य को कर लेते हैं, मुझे याद दिलाइएगा प्रभुपाद जी की कथा भी दुकान, ठीक है। मनुष्यों को मांसाहार करने के लिए करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवद गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। भगवद गीता में 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं सात्विक भोजन कौन सा होता है, राजसिक भोजन कौन सा होता है, और तामसिक भोजन कौन सा होता है। तो ऐसे सादे भोजनों को कौन सा भोजन बोला गया है, सात्विक भोजन, ठीक है, सतोगुणी भोजन। नेक्स्ट, मांसाहार को तमोगुणी, मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है, जो तमोगुणी व्यक्ति है वो मांसाहार करते हैं, या फिर जो व्यक्ति मांसाहार करते हैं वो तमोगुणी है, दोनों बातों को समझिएगा, जो मांसाहार करते हैं वो तमोगुणी है, और जो जो तमोगुणी है वो मांसाहार करते हैं, ठीक है, यस। नेक्स्ट, मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है, अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। हर समय क्या खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं, दूषित वस्तुएं खा रहे हैं बिना भगवान को भोग लगाए। कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी कहीं पर हम से कुछ भी आइटम लेकर के मन में भगवान को भोग लगा के खा सकते हैं क्या? वो कभी रेयरली कुछ हो गया, उसको आप रेगुलर नहीं बनाना, एक्सेप्शन को रूल नहीं बनाना है।
बट आप उसको जनरली क्या होता है, खुद की कुछ जीवा के स्वाद के लिए हम कहीं से भी कुछ भी लेकर के ऐसे मानसिक रूप से भोग लगा के खा लेते हैं। तो हमें अवॉइड करना है, भगवान को प्रॉपरली भोग लगाना है और भोग लगा कर ही प्रसाद पाना चाहिए आपको। नेक्स्ट, अगर भोग लगा के नहीं खाता है तो व्यक्ति क्या खाता है स्वाति जी? पाप खाता है प्रभु जी। पाप खाता है, कहाँ कहाँ है भगवान ने इस बात को? यहाँ अभी कहा है और पहले भी कहा था। भगवान ने कहा, गीता में भगवान ने कहा बोला श्लोक में? तीसरा अध्याय का अभी आपने बोला था प्रभु जी। यस, जैसे कि ये छठे अध्याय का 16वां श्लोक है, वो तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक है। हाँ। याद रखिएगा आप, ठीक है? यस, भुंजते ते तुम अघम पापा ये पशंति आत्म कारणात्। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए भोजन खाता है और अपने लिए भोजन बनाता है किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। ये पूरा का पूरा अनुवाद है तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक का। जो कृष्ण को अर्पण करके नहीं खाता वो पाप खाता है, वो मात्र अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अपनी खुशी के लिए भोजन बनाता है या खाता है, वो पाप खाता है। नेक्स्ट, पाप क्यों खाता है उसको भी समझिएगा, बट आई थिंक मैंने पहले समझाया है, प्रश्न उत्तर कार्यक्रम में पूछ लीजिएगा याद रख के प्रश्न कि पाप क्यों खाता है। नेक्स्ट, इसमें प्रश्न आ सकता है प्रभु जी लोग सेब खाते हैं या फिर पालक खाते हैं या मेथी खाते हैं या कुछ फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें पाप नहीं लगता क्या? इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, प्रश्न बना के रखिए। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए भोजन खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता, वो योगी नहीं बन सकता। अगर अधिक खाएगा तो क्या होगा? बीमारियां होगी, इनडाइजेशन होगा और निद्रा आएगी। तो ये सब जो है योगी के लिए सहयोगी नहीं है। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग को ही खाया जाए। भोजन वही करना चाहिए जो भगवान को अर्पण है, भगवान ने खाया हुआ है, उसके बाद जो बचा है वही भोजन करना चाहिए। हम सब लोगों को अगर पूछा जाए कि प्रभु जी क्या भोजन करे क्या ना करे, सिंपल उत्तर हमेशा याद रखना, जो अर्पण किया हुआ है उसको ही पाना चाहिए, दूसरा सब भोजन नहीं पाना चाहिए। नेक्स्ट, सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उचित भाग को खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। वही भोजन करता है खाने से पहले जो भगवान को अर्पित किया हो गया। ऐसा भोजन कभी नहीं करता जो पहले अर्पण नहीं किया गया है, तो अर्पण किया हुआ भोजन ही खाता है। इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की कथा आती है, जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी बताई है मैंने दृढ़ निश्चय के बारे में। प्रभुपाद जी के गुरु जी का नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। बचपन में जब वो छोटे थे, विमल कुमार उनका नाम था, विमल कुमार छोटे जब थे, तो एक बार उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर महाराज फल लेके आए और वहीं पर रख दिया। छोटा सा ये बालक जा करके उसमें से कोई फल उठा लेते हैं और उठा करके खाने लग जाते हैं। तो उनके गुरु उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर महाराज उनको बहुत डांटते हैं, बिना अर्पण किए कैसे खा लिया तुमने, ये पाप है, क्यों खाया तुमने, भगवान के लिए लाया था, तुमने बिना अर्पण करके खा लिया। छोटे बालक होंगे 5-6-7 साल के मान लीजिए। उसी समय उन्होंने डिसाइड कर दिया कि आज के बाद, वो क्या लेके आए थे मालूम है? मैंगो, मैंगो लेके आए थे, और मैंगो जो है वो उन्होंने भोग नहीं लगाया और बिना भोग लगाए पहले ही खा लिया था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज विमल कुमार छोटा सा बालक बोलता है कि आज के बाद, वो 5-6 साल की उम्र है, मैं कभी भी, बोलिए पूरा कीजिए सेंटेंस को, मैं कभी भी पूरा मैंगो नहीं खाएंगे, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मैंगो नहीं खाऊंगा। उन्होंने ये प्रतिज्ञा नहीं ली कि मैं आज के बाद बिना अर्पण
कभी नहीं खाऊंगा। उन्होंने क्या बोला, मैं कभी भी मैंगो ही नहीं खाऊंगा, उन्होंने ये बोला। जीवन भर उन्होंने मैंगो कभी नहीं खाया। सोचिए, तो हमें भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन लेना चाहिए और भगवान को अर्पण किया हुआ भोजन स्वीकार करना चाहिए। कोशिश करें कि घर में, एटलीस्ट घर में, फिर से निवेदन कर रहा हूँ आपसे, एटलीस्ट घर में, फिर से एक बार बोल देता हूँ, एटलीस्ट घर में अर्पण किया हुआ भोजन करें। बाहर का हमें मालूम नहीं होता या मुश्किल होता है या समस्या होती है किसी भी प्रकार से, घर में अर्पण किया हुआ ही भोजन करें। ठीक है, नेक्स्ट। हम मुश्किल से एक मिनट के अंदर, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो पाप नहीं खाता है। वही व्यक्ति जो है कृष्ण भावना अमृत में पूर्णता प्राप्त कर सकता है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। नेक्स्ट। नहीं, ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृष्ण भावना, नहीं ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियों निकाल कर भोजन नहीं करता। अब उस पर दूसरी बात आ गई, पहला तो भोजन कौन सा करना या रेगुलेटेड करना। अब कौन सी बात आ गई कि जानबूझ के अपने बनाए बनाए उपवास नहीं करता है, अपनी मर्जी से बनाए हुए उपवास। अपनी मर्जी से उपवास कैसे हो गए बताओ, कौन बताएगा? अपनी मर्जी से कोई उपवास बनाना मतलब, बोलिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। हेल्थ के लिए, डाइटिंग करना प्रभु जी शरीर के लिए। शुक्रवार रख लिया, मंडे सोमवार रख लिया, वो सब प्रभु जी। ठीक है, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। अपनी मनोमर्जी से मतलब क्या है? अपनी मनमर्जी से मतलब है कि मुझे ये चीज चाहिए इसलिए मैं फास्टिंग करूंगा। मेरे को ये मम्मी जो है मुझे वाला साइकिल या बाइक लाके नहीं देंगे तो मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा। या मुझे जो है टिकट मिलनी चाहिए इलेक्शन में इसलिए मैं फास्टिंग करूंगा। या मैं ये नियम बदलवाना है, आमरण अनशन करूंगा मैं। तो ये सब क्या है? अपनी मन मर्जी की फास्टिंग। ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। तो अपनी अपनी विधियां लिखा, तो अब समझिएगा, उपवास भी अपनी मर्जी से नहीं करना है। उपवास भी कैसा करना है? प्रमाणित उपवास करना है। रेखा मध्य जी समझ रहे हैं, ब्रह्मांड में बैठे हुए उपवास कैसे करना है? अपनी 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 विधियों से, अपनी अपनी मर्जी से, राइट। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। बोलिए, प्रमाणिक उपवास करना है। प्रमाणिक उपवास करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना है, जो बताया गया है वो उपवास करना है। अब आगे देखते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। वह न तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता है, न ही अधिक खाता है। वह इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतया योग्य है। न तो वो अधिक भूखा रहता है, न अधिक खाता है, वो रेगुलेटेड रहता है, दोनों में बैलेंस बना के रखता है, और इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतया योग्य है। ठीक है, वो व्यक्ति नहीं जो अधिक खाता है या कम खाता है, बहुत कम खाता है, या जो मांसाहार आदि करता है, वो व्यक्ति योगाभ्यास करने के लिए योग्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। इस प्रकार वह योगाभ्यास करने के लिए पूर्णतया योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक क्या करेगा? सपने देखेगा। हरी बोल, प्रभु जी बहुत सपने आते हैं, रात को लेट खाते हैं, फिर लेट सोते हैं, बहुत सपने आते हैं, फिर लगता है कि नींद भी पूरी नहीं हुई है। उसका भी कारण क्या है? अधिक भोजन करना। नींद पूरी नहीं होने उसका भी कारण है अधिक भोजन करना। अधिक भोजन करेंगे तो अधिक सपने आएंगे। अगर आप में से ऐसे कोई लोग है ना, जस्ट बता देता हूँ आपको, मदद करेगा वो।
कि प्रभु जी मुझे तो सपना ही नहीं आता है। तो आपकी जानकारी के लिए आपके लिए बहुत फेवरेबल है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत फेवरेबल है, एक लेवल आप ऊपर है, ये कहना चाहूंगा मैं साधारण मनुष्य से। अगर आपको सपना नहीं आता है रात, और अगर हम सपने से भरे पड़े हैं तो एक लेवल नीचे हैं। जैसे ही आंख बंद करते हैं सपने में चले जाते हैं। कभी कभी तो सुबह मान लीजिए 4 बजे आंख खुली और उठ गए, उसके बाद थोड़ा 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 और सो लेते हैं, उसके बाद 4 बजे बाद 5 बजे तक 6 बजे तक सोते रहते, पर क्या आता है 2 घंटे सपने ही देखते रहते, राइट। तो ये सपने के बारे में कहा गया। अतः आवश्यकता से अधिक अगर वो सोएगा वो अधिक सपना देखेगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। बकलोग है क्या थोड़ा सा, किसी को स्माइल आ गई हो चेहरे पे 6 घंटे से। जो व्यक्ति 2400 घंटों में से 6 घंटों से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता, ऐसा व्यक्ति योग नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति को अपनी निद्रा को और अपने भोजन को नियमित करना होगा, रेगुलेटेड करना होगा। ये 2 मुख्य बातें बताई जा रही है। अब मैं थोड़ा सा आपको सरल बता देता हूँ, सरल भाषा में। नेचर के साथ में चलना चाहिए, प्रकृति के साथ में चलना चाहिए। जब सोने का समय बताया गया है तब हमें सोना चाहिए, जब हमें जागने का समय बताया है हमें जागना चाहिए, जब हमें भोजन करने का समय बताया गया है तब हमें भोजन करना चाहिए। रात का भोजन हल्का लेना चाहिए, रात को सोने से पहले दूध पीना चाहिए, आधा घंटा पहले 45 मिनट्स पहले हमें दूध पीना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ये नियम बनाया है, सुबह सुबह दूध नहीं पीना चाहिए, रात को पीना चाहिए सोने से पहले। बाकी ये किसी के शरीर पर भी निर्भर करता है। जो भक्ति योग का अभ्यास करना चाहते हैं, नाम जप करना चाहते हैं, अधिक खा लेंगे, अधिक कुछ पी लेंगे तो फिर रात को डाइजेस्ट नहीं होगा और सुबह फिर हरे कृष्ण निद्रा आएगी, मुश्किल होगा, राइट। इसलिए कोशिश करनी है कि हम स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये दोनों बातें किसके लिए बताई गई है बोलिए, रेखा चीपा माता जी। सोना और खाना किसके लिए बताया गया, शरीर या आत्मा के लिए? शरीर के लिए प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। है शरीर के लिए, बिल्कुल सही है शरीर के लिए, लेकिन ऐसा करने से मदद किसमें मिलेगी, आत्मा। पहले भी बताया था, दोबारा रिपीट करता हूँ, जैसा भोजन करते हो वैसा ही आपका सूक्ष्म शरीर बनता है और वैसे ही आपका स्थूल शरीर बनता है। सूक्ष्म शरीर मतलब क्या, मन बुद्धि और अहंकार। स्थूल शरीर मतलब ये बाहर का शरीर जैसा दिखने वाला शरीर जो है उससे बनता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम 6 घंटे से अधिक ना सोए, ऐसा भोजन करें जो सात्विक है, और सात्विक से भी ऊपर क्या होता है, कृष्ण प्रसादम। सात्विक से भी ऊपर क्या बोलिए, कृष्ण प्रसादम, ठीक है। और कृष्ण प्रसादम को बोला जाता है शुद्ध सात्विक। रेखा माता जी घर पे प्रसाद भोग लगना शुरू हो गया, भगवान को भोग लगना कि नहीं हुआ? हाँ प्रभु जी भोग तो लगाते हैं। हाँ भोग लगाते हैं, बहुत अच्छा। तो आप सब लोग देखिएगा, अगर आप थोड़ा सा पुराने जमाने में देखेंगे, पुराने अपने दादाजी को, पिताजी को या उनके पिताजी को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके घर में भी भोग लगता था, वही भोजन करते थे जो भगवान को अर्पण किया हुआ था। कोई भी घर में वस्तु आती थी, इवन घर में नया कपड़ा भी आ गया, नई गाड़ी भी आ गई, वो भी लोग ऐसा करते थे कि बोले पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो नियमित भोजन और नियमित निद्रा के बारे में बताया गया है। अब पहले हम जाप कर लेते हैं, उसके बाद मैं प्रश्न लूंगा और डिस्कस करेंगे एक जगह बैठ करके। स्टेशन आ गया तो मुझे उतरना है।